In this video, I will cover up everything: their packaging, their pricing, their ingredients, most importantly, their performance. While I was using this uh, snail mucin, I was uh, really searching for something which is as good as uh, this, so that's why I got my hand on this uh, snail mucin from the brand Conscious Chemist. And I will let you know which one is better, or both are better, or both are bad, as the new and why am I comparing these two? That I will let you know in this video. So, without wasting time, let's dive into the video. सबसे बड़ा डिफरेंस तो इन दोनों में ये है कि ये कोरियन है और ये इंडियन ब्रांड है जो ये बना सकते हैं वो हम भी बना सकते हैं इसमें कोई भी शक नहीं है और इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है इसमें एक दो इंग्रीडियंट ज्यादा है जिसके बारे में आपसे मैं इस वीडियो में बात करूंगी ये आता है एक प्लास्टिक की बोतल में ये बहुत अच्छे वाला प्लास्टिक है मैं इसकी कैप की बात करूँ इसको मैं अपने साथ कहीं लेके गई थी तो वहां यही प्रॉब्लम मुझे लगा की इसका जो कैप है ये खुल जाता था ठीक है वैसे तो ये अच्छे से बंद हो जाता है लेकिन ये खुल जाता है कई बार और अगर मैं बात करूं कॉन्शियस केमिस्ट की पैकेजिंग की तो ये ना कैप्सूल काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसके मुकाबले ये पतली है ठीक है बहुत पतला है ये ऑब्वियसली इसमें क्वांटिटी भी ज्यादा है 100 एम और ये है 50 एम आई थिंक एंड इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो ये है ग्लास बॉटल हाँ ये ग्लास बॉटल है ये एंड इसका जो कैप है वो नहीं खुलता क्योंकि ये ना ऐसे प्रॉपर सक्शन है इसमें सीलिंग से सी दे रखिए तो काफी अच्छे से बंद हो जाता है और पैकेजिंग को मैं ज्यादा गौर नहीं कर रही क्योंकि हम इनको ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल्स में भी कैरी करके लेके जा सकते हैं तो ये इतना कोई इशू नहीं है अगर हम बात करेंगे हंड्रेड एम एल मिलता है 1450 का और ये आपको 50 एम मिलता है एट हंड्रेड रुपीज का सेवन नाइनटी देखा जाए तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव है जब इसकी प्रमोशन भी हो रही थी या इसके बारे में लोग बात भी कर रहे थे तो ये बोला जा रहा था कि ये इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है देखो ऑल्टरनेट हम बोल सकते हैं लेकिन अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये सस्ता है एज कम्पेयर टू दिस वन इस ब्रांड ने सारे ही इसके जो इन्ग्रीडियंट है ना वो बहुत ही अच्छे से कॉपी करे हुए हैं आई वुड से क्योंकि ये पहले आया है ये बाद में आया है लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि नकल भी अकल से होती है तो उस मुकाबले में इसने बहुत ही अच्छे से इसकी नकल करी है जो इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे ना वो सेम ही आपको इसमें मिलेंगे बस एक दो को छोड़ के और उसकी वजह से इनके टेक्स्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा वेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन ऑनली फर्स्ट इंग्रीडियंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी दैट इज स्नेल म्यूजियम ऑब्वियसली दोनों में ही स्नेल म्यूजियम है क्योंकि ये स्नेल म्यूजियम ही है कॉसरिक्स में नाइन्टी सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट स्नेल प्लस थाउजेंड पीपीएम सोडियम है इसमें होमेक्टेंस की बहुत ज्यादा अमाउंट है अगर हम बात करें कॉन्शियस केमिस्ट स्नेल म्यूजियम की इसमें है 97 सेवन परसेंट स्नेल जो इसमें सोडियम हेलोरोनेट यूज करा गया है दैट इज कराइड्रोलाइज सोडियम हेलोरोनेट अगर मैं बात करूं कॉन्शियस केमिस्ट्र की तो इसमें हेलोरोनिक एसिड भी है और सोडियम हेलोरोनेट भी है और अगर मैं बात करूं कॉसर एक्स की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम हेलोरोनेट है दैट इज 100 पीपीएम सोडियम हेलोरोनेट जो कि एक बहुत ही प्योर फॉर्म होती है बोथ टारगेट डिहाइड्रेटेड स्किन ड्राई स्किन डैमेज स्किन बैरियर जब हम पढ़ते हैं कि ये किन स्किन कंसर्न को स्पेशली टारगेट करता है बहुत क्लियरली लिखा गया है कि ये डार्क स्पॉट्स को भी बहुत ज्यादा टारगेट करता है विजिबली और रिंकल्स के ऊपर भी काम करता है विजिबली लेकिन जब मैं इसके स्किन टारगेट्स को पढ़ रही थी तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था सिर्फ ये लिखा गया है कि नाइन्टी सेवन परसेंट फिल्ट्रेट है और ये काम करता है रिपेयर करता है और बैलेंस करता है करता ये भी होगा स्नेल म्यूजियम है तो करेगा ही लेकिन क्लेम ये करता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनगेरियंस हंड्रेड फर्स्ट इनगेरियन जो की मैंने आपको बताया है स्नेल म्यूजिंग स्नेल म्यूजिंग करता है, क्या है हाइड्रेट करता है हमारी स्किन

जो कि मेंटेन करके रखता है मॉइस्चर लेवल को और एक्सेसिव ऑयल को भी कंट्रोल करके रखता है नेक्स्ट दैट इज ट्रेलॉस ट्रेलॉस इज इंग्रेडिएंट जो कि हमारी स्किन को फ्री रेडिकल्स से जो कि हार्मफुल रेडिकल्स है हार्मफुल यूवी रेस है उनसे बचा के रखता है हमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या होते हैं पोल्यूशन सन रेज इनको बोलते हैं कॉन्शियस केमिस्ट में उन्होंने ऐड करा है हालरोनिक एसिड लेकिन कॉसर में उन्होंने ऐड करा है सोडियम हालरोनिक देखो जो हालरोनिक एसिड होता है दैट प्लम्स योर स्किन प्रोवाइड यूथफुलनेस एंड इंक्रीजेज इलास्टिसिटी ऑफ आर स्किन बट इसमें डिफरेंस क्या होता है जब हम इसे कंपेयर करते हैं सोडियम हेलोरोनेट से तो देखो फर्क होता है मॉलिक्यूल्स का और वेट का इसमें जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर रहते हैं और मॉइस्चर को रिटेन करते हैं इट इज सुटेबल टू ऑल स्किन लेकिन स्पेशली फॉर ऑयली स्किन क्योंकि स्किन के सर्फस के के ऊपर रह काम करता है उसके उलट जो सोडियम हेलो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीपली स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं सो दैट्स वाइड जिन प्रोडक्ट्स में सोडियम हे होता है वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं ड्राई स्किन के लिए इसका मतलब ये नहीं कि ये, हर स्किन के लिए सुटेबल नहीं है ये हर स्किन के लिए सुटेबल है इट परफॉर्म्स बेस्ट ऑन द ड्राई स्किन काफी लोगों को सुना भी है कि ड्राई स्किन के लिए वैसे भी

एलोवेरा लीफ जूस भी है विच इन्फ्यूज स्किन विद मॉइस्चराइजेशन दोनों में ही कार्बोर्मर है जो कि एक बहुत कह सकते हैं एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट होता है व्हेन इट कम्स टू द स्किन केयर बिकॉज दैट इज यूज टू कन्वर्ट एनी प्रोडक्ट इनटू अ जेलीफाइंग टेक्सचर इट इज नॉट अ नेचुरल इंग्रेडिएंट इट इज अ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट इट प्रोवाइड्स अ नॉन ग्रीसी टेक्सचर टू द जेल व्हिच मेक देम आइडियल फॉर फोकसड ट्रीटमेंट लेकिन कुछ लोगों को कार्बोर्मर से थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है तो आप हमेशा एक पेस्टर्स जरूर करें जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को ट्राउ करते हैं तो चलिए अब हम उन दो तीन इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं जो कि के स्नेल में नहीं है लेकिन के स्नेल में है, में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी जो इनडियंट है, ये जाता है में, स्किन केयर में और इवन ब्यूटी प्रोडक्ट में भी बिकॉज दैट इज अ ग्रेट एम्बोलियंट एज वेल एज ग्रेट दैट प्रिजर्व हाइड्रेशन ऑन द स्किन एज वेल एज सॉफ्ट It. Conscious chemist भी क्लेम करता है लाइक like, एक्स uh, ये भी ऐड करते हैं एक्सट्रैक्शन के टाइम इसमें लेकिन इसका इनग्रीडियंट लिस्ट में लिखा नहीं हुआ सो दैट्स आई एम नॉट श्योर अबाउट इट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज पोली एक्ट थिकनर और यू कैन से विस्कॉसिटी ऑफ द प्रोडक्ट जब हम किसी प्रोडक्ट को डालते हैं ना ये प्रोडक्ट की विस्कॉसिटी है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो आपके हाथ के ऊपर आ रहा है जो पोलिय्रोलेट है इसका टेक्स्चर है वो और ज्यादा इंप्रूव कर देता है सो दैट्स वाइज जब भी आप इन दोनों प्रोडक्ट को लगाओगे ना यू विल फील द डिफरेंस I think because of these ingredients, जो कि नहीं हैजेनाइन इंटू एट विच बूस्ट कॉलेज इन प्रोडक्शन विच इज अल्टीमेटली डिफेंस अगेंस्ट प्री मेच्योर एजिंग एंड इट ऑल्सो क्लेम्स दैट इट वर्क ऑन योर रिंकल्स एज वेल लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टारगेट नहीं करता ये भी करता है लेकिन इन एक दो इंग्रेडिएंट की वजह से, से शायद जो इसका टेक्सचर है वो ज्यादा अच्छा है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब मैंने इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाया है ना लुक एट द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट ये सीरियसली जब आप इसको अपना हैंड ऊपर करके कर कर देखते हो ना इतना स्लाइमी टेक्सचर है ना इसका कि यू फील लाइक यू अर समथिंग रियली रियली हाइड्रेटिंग ऑन योर स्किन एंड इट ग्लाइस ऑन योर स्किन लाइक कि जेली से भी ज्यादा सॉफ्ट लगता है आपकी स्किन के ऊपर के एंड ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट फीलिंग प्रोवाइड करता है अगर मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाऊं लुक दिस कॉसर एक्स का ठीक है कैसे जा रहा है नीचे और ये रहा अब आप खुद देख लो ये जल्दी से नीचे आ रहा है ना एज कम्पेयर टू दिस ये इससे भी पहले नीचे आ गया दीज का इसका जो टेक्सचर है बहुत ज्यादा स्लाइमी है कॉन्शियस केमिस्ट का इज लिटल वाटरी एज कम्पेयर टू दिस वन पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियस केमिस्ट वाला अच्छा नहीं है कॉन्शियस केमिस्ट वाला भी बहुत अच्छा है बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की नो डाउट इट इम्प्रूव योर स्किन सिर्फ लगाना ही सब कुछ नहीं होता खाना भी होता है मैं बहुत अच्छी चीजें खाती भी हूँ सुबह सुबह उठ के जो आप खाते हैं का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है स्किन स्किन के ऊपर। मैं सुबह सार ही गूस का जूस पीती हूं, ट्रस्ट मी, जिससे मेरा स्किन है ना वो बहुत अच्छा है. अभी मेरा स्किन के उपर, आप ऐसे में लेकिन कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस के ऊपर लगा ही लेती हूँ एक और चीज जब भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लगाओ ऑन द डैम्प स्किन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको यूज uh, करोगे तो आपको भी ये फील होगा कि कंपैरेटिवली इसका जो uh, लगाने का फील है ना उसमें काफी डिफरेंस है लेकिन अगर मैं इफेक्ट की बात करूं मेरे लगाने के बाद आप आप बता नहीं पाओगे मैंने कहा कौन सा लगाया है क्योंकि इनका आफ्टर इफेक्ट दोनों का ही सेम है जो इसमें इनग्रीडियंट है ना एक्स्ट्रा वो सिर्फ और सिर्फ़ इसकी थिकनिंग टेक्सचर के ऊपर काम कर रहे तो ऑब्वियसली इसका टेक्सचर तो उसके कंपेरिटिवली अच्छा होगा ही तो दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है अब बात आती है रिकमेंडेशन की प्राइस पॉइंट से देखा जाए तो ये महंगा है मैं यही सोच रही थी कि इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढूं जो कि थोड़ा सस्ता हो तो मैंने वो सोच के लिया था लेकिन जब मुझे देखा कि ये तो 50 ml है लेकिन ये आपको सेल पे मिलता है अभी भी उनकी सेल लगी हुई है 1300 में आपको चार प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो ये मुझे हार्डली पड़ा होगा तीन साढ़े तीन सौ रुपए का तो उसके हिसाब से अगर सेल में है तो इट इज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू कैन ऑल्सो ट्राई बॉडी वाइज वन मैंने उसको ट्राई आउट अभी नहीं करा है अगर आप चाहते हो कि मैं उसको ट्राई आउट करूँ तो कमेंट कर देना तो अगर मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करूं तो शुड गो फॉर दिस क्योंकि सो so एम मिल रहा है हमें 1450 का इसमें 10 परसेंट ऑफ लग जाती है नायका सेल में एमेजोन में लगी होती है टीरा लगी मोस्ट ऑफ टाइम लगी होती है मैं आपको लिंक्स भी ढूंढ के नीचे डाल दूंगी लेकिन When it comes to the making process, मैं इसका alternative क्यों ढूंढ रही थी उसका main reason था इसका making process. So, जब मैंने इसका making process देखा जो कि अभी screen पे चल रहा है that was very disturbing for me because they keep the snails in the lab. They are subjected to a lab confinement. Chemical bath दी जाती है उनको चाहे वो कोई भी chemical डालते हो तो वो अपने आप को protect करने के लिए अपना जो secrete करने लग जाती है snail. तो वो हम ले लेते हैं लेकिन ये है तो torture ही है ना That is kind of नमक जब rainy season में ऐसे छोटी चुट छोटे आते हैं क्या बोलूं उनके ऊपर नमक डालते हैं तो वो लिटरली मर भी जाते हैं कई बार तो कितना टॉर्चर लगता होगा उनको अपने ऊपर जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्नेल म्यूसिन एक्सट्रैक्शन लेकिन कॉसरिक्स क्लेम करता है कि हमने एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढा है इसका एक्सट्रैक्शन करने का दैट इज कॉल्ड इमर्जन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दैट इज अथिकल अप्रोच दे प्लेस द स्नेल्स इन टू रिलीज म्यूसिन विदाउट हार्म वंस कलेक्टेड स्नेल्स आर रिटर्न टू देयर नेचुरल हैबिटेट सबसे पहले स्नेल्स आती हैं उनको पानी में रखा जाता है एक्सट्रैक्शन किया जाता है स्नेल रिमूव किया जाता है उनमें वन टू हैडोल मिक्स किया जाता है फिल्ट्रेशन किया जाता है और पैकिंग की जाती है दिस इज वॉट ब्रांड क्लेम्स लाइक अदर मेनी क्रिएटर्स मेरा भी यही सोचना है कॉसरेक्स इसके ऊपर कोई ज्यादा फॉर्मली uh, कुछ नहीं बोलते हैं तब तक तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए लेकिन अब मैंने जब उनके बारे में पढ़ा था उसमें लिखा उसमें लिखा हुआ था कि दे प्लेस स्नेल्स इन द डार्क रूम मैश के ऊपर चलाते हैं उनको वो जब स्ट्रेस में आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस वो म्यूजिक को रिलीज करना शुरू कर देती है उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है थर्टी मिनट्स के बाद और जो प्रोडक्ट uh, है वो कलेक्ट कर लिया जाता है चलो ये भी ठीक है लेकिन मुझे इतना मुझे इतना ज्यादा कंपेलिंग नहीं लगा दैट्स so वाई मुझे था कि मैं एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढूं जिसको मैं रिकमेंड कर सकूं और जिसका जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा एथिकल और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो ऐसी चीज लगाने का कोई फायदा भी नहीं है और लगानी भी नहीं चाहिए जिससे हम किसी को टॉर्चर कर रहे हैं थोड़ा बच्चा चाहे किसी भी वे में कर रहे हैं दैट्स so मैं इसको रिकमेंड करना चाहती थी जस्ट बिकॉज ऑफ वन टू इनग्रीडियंट्स नो डाउट इसका जो कंसिस्टेंसी है जो इसका फील है वो बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दिस बिकॉज इट इज लिटल वॉटरी बट मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको एक्सट्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है

पेप्टाइड्स ओके okay? इसमें कोपर पेप्टाइड्स भी हैं, जो इसमें नहीं है लेकिन 19-20 का फर्क है जिसमें ये थोड़ा मुझे आगे लगता है फ्रेंकली स्पीकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ वन टू इनग्रीडियंट जो है वो ज्यादा इसके टेक्सचर को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली डिफाइन करते हैं तो अगर आप ये सोचते हो कि क्या हमें स्किन केयर में स्नेल म्यूजिक को ऐड करना चाहिए अगर आपकी स्किन के ऊपर छुट छुट पिंपल्स रहते हैं ड्राइनेस की वजह से आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा रफ रहती है पैचेस रहते हैं तो तब आपको ये अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करने चाहिए क्योंकि ये लिटरली आपके स्किन के टेक्स्र को इम्प्रूव तो करते हैं क्योंकि ये अच्छे तरीके से आपके फेस के ऊपर ग्लाइड होते हैं इवनली स्प्रेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स तो इसकी वजह से ये आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है एंड बीइंग फर्स्ट लेयर ऑफ योर स्किन केयर ये आपके स्किन को बहुत अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है इवन यू कैन सी ये लगाने के बाद इन दोनों को ही लगाने के बाद जो मेरा स्किन है वो बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग लग रहा है अभी मैंने और कुछ भी नहीं अप्लाई करा अपनी स्किन के ऊपर सो दैट्स वाई ये दोनों ही प्रोडक्ट वेन इट कम्स टू देयर परफॉर्मेंस दे आर सुपर सुपर नेक्स्ट डे जो आपका स्किन है ना वो बहुत अच्छा दिखता है अगर आप इनको रेगुलर यूज करते हो देखो हर प्रोडक्ट तभी परफॉर्म करता है जब आप इनको रेगुलर यूज करते रहते हो अगर आप बोलो कि मुझे स्नेल म्यूजियम ट्राई आउट नहीं करना है मुझे कुछ और चाहिए जो एज गुड एज स्नेल हो तो कोई भी हार्डनिक एसिड अच्छे वाला आप यूज कर सकते हो आप मल्टीपेप्टाइड्स ट्राई आउट करिए बहुत सारे मल्टीपेप्टाइड्स है कोपोपैप्टाइट सीरम्स है जो सारे ऐसा ही परफॉर्म करते हैं इन प्रोडक्ट्स की हाइप है सो दैट्स वाई लोगों को रहता है कि हमने इनको ट्राई आउट करना है जो कि यार ऑब्वियसली मैंने भी किया है मन तो करता ही है फॉर प्राइस पॉइंट ये दोनों ही काफी एक्सपेंसिव है मुझे लगता है कि 100 ml के लिए पंद्रह सौ रुपए खर्चना कोई बहुत जायज बात है तो इसलिए मैं बोलती अगर आप इनको नहीं कर सकते हम हम बोलेंगे का तो सीरम ही होगा या 50 ml, no doubt. लेकिन सीरम्स को हम बहुत कम लगाते हैं इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगती है लेकिन अगर आप इनको अफोर्ड कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फील बहुत अच्छा है इसका इसका भी फील बहुत अच्छा है लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका फील ज्यादा अच्छा है ठीक है और अगर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस से प्रॉब्लम है लाइक मी

एंड और बहुत सारे हैं कि जरूरी नहीं है कि यही लेना है हाँ बट नो no डाउट इनका फील बहुत अच्छा है दोनों का ही फील बहुत अच्छा है इसका लिटिल बिट बेटर है एस कम्पेयर टू दिस अगर पैसे हैं तो ले लीजिए अगर पैसे नहीं है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारी स्किन केयर में नहीं है तो हमारी स्किन केयर तो बस भाई अच्छी हो ही नहीं सकती नहीं नथिंग लाइक दैट ये एक शौक के लिए प्रोडक्ट्स मैं बोल सकती हूँ दे आर सिंपली हारोनिक एसिड्स मल्टीपेप्टाइड्स जो कि आपको अलग फॉर्म्स में भी मिल जाते हैं अगर आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं लेना चाहते एंड आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना एंड दिस इज वॉट आई जस्ट वॉन्ट यू टेक केयर